मोबाइल हटा भाई। तो ना हम लोग यार भाई मोबाइल हट हट पैनिंग करेंगे एक्साइटेड। हमारा अपना होम ग्राउंड है, हमारा अपना फेस्टिवल है, सो वी शुड ऑल कम आउट एंड सपोर्ट इट। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द मूवीज टू प्ले कर रही है, आई एम वॉच मेनी ऑफ दोज। और कल को मेरा एक सेशन है, सो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट दैट विद अनुपमा चोपड़ा। सो दर इज लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू एंड द लवली लंच विच इज स्प्रेड आई गेस। सो या कनीत, व्हाट आर यू डूइंग? कम स्पेशल। हम बहुत स्पेशल भी हैं, शी मेक्स मी फील स्पेशल एंड आई थिंक वुमेन एज इट इज़ दे आर स्पेशल। मैं ज़्यादा गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना मैं? नो, बट आई एम ग्लैड सच एन इवेंट हैज़ बीन केप्ट एंड इट्स टू ऑनर द वुमेन आई गेस। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। गुनीत, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? एंड आई थिंक इट्स टाइम, जब मुझे ऐसा लगता है कि जब वन वुमन ग्रोज शी ओपन्स द रोड फॉर 10 मोर 100 मोर, सो हियर वी आर सेलिब्रेटिंग ईच अदर। सो या, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में क्या बताना चाहेंगे? इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द लीडिंग पिलर्स ऑफ मीडिया। जो पहले हमारे सिर्फ 3 or 4 पिलर्स होते थे, विच वॉज दिस जर्नलिज्म, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, एंड नाउ वी हैव द डिजिटल। सो आई गेस इट्स बहुत ही बड़ा एक बूम है एंड आई एम इट्स रियली वी रियली फॉरवर्ड टू, बिकॉज आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर टू, लाइक आई लाइक टू राइट एंड मेक फिल्म। सो इट्स एन एडेड प्लेटफॉर्म फॉर पीपल लाइक अस एंड या, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। हाउ अबाउट चीज द दिग्गज इन दिस ना, जिसको कहते हैं यही यही तो है। इट इज वन वुमन सपोर्टिंग द अदर ऑलवेज। नो, आई फील जितना ज़्यादा मोबाइल ग्रोथ हुआ है, जितना अब अमेजिंगली इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, सो नाउ इज़ द टाइम जब कॉन्टेंट इज़ एक्सेसिबल एंड ऑल्सो इट्स अ गुड टाइम फॉर क्रिएटर्स एंड इट्स अमेजिंग हाउ मच द फुटप्रिंट ऑफ द कॉन्टेंट इज़। तो अभी तो मतलब ऐसा है कि अपना टाइम अब आया है। मेरे लिए सबसे हाई पॉइंट मेरा मामी फेस्टिवल का तब था जब मेरी शॉर्ट फिल्म स्क्रीन हुई थी। इट वॉज टॉफी एंड देट वॉज अ रियली ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर मी एंड ऑलवेज रिमेंबर मामी फॉर दैट। अभी दिवाली आने वाली है, सो किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं? मैं और मेरी फैमिली भाग रहे हैं, हम चंडीगढ़ जा रहे हैं एंड सो माई पेरेंट्स आर देयर, माई लॉज आर देयर, सो वी ऑल आर गोना सेलिब्रेट इको फ्रेंडली दिवाली फॉर श्योर। सो इट्स गोना बी देयर। दिवाली विश यस। First, you tell me how you're going to celebrate your Diwali. Is it going to be in Bombay or where? In Bombay, we will do a little puja and just have a small ceremony and make ghar ka khana and enjoy Diwali completely eco-friendly and with our pets and our animals who we love. Yes. Yes. And but thank you. Thank you.
सो आई रियली विश किसके व्यूअर्स को बोलूँ सॉरी ऑडियंस को I wish everyone a very happy and prosperous Diwali. Make it eco-friendly and don't burst crackers. Happy Diwali, happy Diwali. Thank you. Thank you. Please click us together. Yes, main khud hi bolne wali hu. Thank you. Mere phone se bhi so I will have access to these photos. दुनिया जहान में फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं पर मामी हमारा अपना फ़िल्म फेस्टिवल है. मैं इससे बहुत शुरू से जुड़ी हूँ, जूरी रह चुकी हूँ, मेरी फिल्म्स की स्क्रीनिंग हो चुकी है और मामी का अपना ही फ्लेवर है. यहाँ पे फिल्म के दीवाने हैं लोग, लंबी लंबी लाइनें होती हैं, 17-18 वेन्यूज़ हैं एंड इट्स जस्ट गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ टॉप लेवल पे नहीं है, इट्स एक्चुअली पेनिट्रेटिंग डाउन टू द ग्रास रूट्स और लोगों के बीच में फिल्म्स को लेके, उसके बारे में डिस्कशंस, कहानियों को लेके लोगों के बीच में ये हो रहा है, विच आई लव. हर साल मामी फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट किया जाता है, सो इस बार मामी फिल्म फेस्टिवल में क्या खास बात है? हर साल ही कुछ ना कुछ खास होता है बट आई थिंक सबसे खास बात है कि ये कहानियों के बारे में है एंड आई लव दिस इवेंट विमेन इन फिल्म, क्योंकि अब तक बहुत पुरुष प्रधान रहा है ये बिज़नेस और अब जाके आई थिंक ये अगले कुछ साल आर गोइंग टू बी अबाउट वुमेन इन सिनेमा इन द वर्ल्ड. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. डिजिटल मीडिया आज के दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सो आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है डिजिटल मीडिया के बारे में? डिजिटल मीडिया फिल्म को चैलेंज नहीं करेगा बट आई थिंक इट विल हेल्प फिल्म्स टू बिकम बेटर एंड इम्प्रूव बिकॉज डिजिटल इज प्रोवाइडिंग कॉन्टेंट विच इज़ उस तरह की कहानियाँ हमने सुनी नहीं है. थैंक यू, थैंक यू. मैं छुट्टी पे जा रही हूँ अभी ही, फ्लाइट पकड़ के दिवाली के लिए. थैंक यू, बाय. मैं हमेशा बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ मामी फेस्टिवल का, क्योंकि वो लोग इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दुनिया भर की लाते हैं जो हम देख नहीं पाते. अनलेस यू गो टू दैट फेस्टिवल आप कहाँ से देखेंगे. तो इस बार तो लाइनअप बहुत ही ज़बरदस्त है और उम्मीद है कि काफ़ी, मैंने बल्कि इस बार एकदम टाइम निकाल के रखा है ताकि मैं खूब सारी फिल्में देख सकूँ. खास बात तो इस फेस्टिवल की यही है कि देखिए इतने सारे, इतनी सारी फिल्में आती हैं, इतने सारे फिल्म मेकर्स आते हैं. जैसे मुझे मौका मिला, इन्होंने कहा है कि मैं एक कॉन्वर्सेशन करूं जो इंटरनेशनल ज्यूरी के जो प्रेसिडेंट हैं यानी हानी अबू असद, उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन करूं. तो उनके बारे में मैं रिसर्च कर रही थी, उनसे बात करने का मौका मिलेगा, उन कैसे दूसरे फिल्म मेकर सोचते हैं, क्या करते हैं. तो एक इंटरेक्शन से तो इंसान ग्रो होता है और शहर के लिए तो एक बिल्कुल गिफ्ट है, क्योंकि आप देखते हैं हर जगह लाइनें ही लाइनें लगी हैं. लॉट ऑफ यंग पीपल आर वॉचिंग फिल्म. ओके, आज स्पेशली फॉर वुमेन के लिए फेस्टिवल रखा गया है, सो क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए उम्मीद तो ऐसी है कि एक दिन ऐसा आएगा कि औरतों के लिए अलग से वुमेन इन सिनेमा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर क्योंकि औरतों की तादाद इतनी कम है बिहाइंड द कैमरा, उसको ज़रा पुश देने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके बारे में बात करते रहें और यंग फिल्म मेकर्स और क्रू, जैसे जो सिनेमाटोग्राफी कर रहे हैं, जो आर्ट डायरेक्शन कर रहे हैं, जो साउंड कर रहे हैं, जो सारा फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में, एक्ट्रेसेस तो हमेशा से रही हैं लेकिन फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में और ज़्यादा औरतें जुड़ें ताकि उन सब की कहानियाँ भी सामने आएँ, उनको भी एक मौका मिले, हम सबको मौका मिले. तो उसके लिए आज हम यहाँ आए हैं.
जी काफ़ी चेंज हो गया है, अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, उसके कई फ़ायदे भी हैं, शायद थोड़े से घाटे भी हैं, फ़ायदे ज़्यादा हैं लेकिन, क्योंकि हम दुनिया भर की फिल्में देख सकते हैं अपने घरों में, हम सबटाइटल कर सकते हैं, ऐसी हमारे खुद के देश की तमिल मलयालम बंगाली फिल्में जो पहले नहीं बाकी देश शहरों में देशों मतलब राज्यों में नहीं देखी जा सकती थी वो अब हम देख सकते हैं क्योंकि वो सबटाइटल होके आ जाती हैं हमारे पास। थोड़ा सा घाटा बस ये है कि जिस तरह की फिल्में मैं बनाती हूँ जो बहुत ज़्यादा बड़ी हाई बजट और एक्शन और प्रोडक्शन डिज़ाइन वाली फिल्में नहीं होती, इन फिल्मों को ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अरे थिएटर में कोई देखने नहीं आएगा तो सीधा डिजिटल चली जाती है। मेरा मानना है कि हर तरह की फिल्में को थिएटर में जाने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि हम जैसी फिल्में बनाते हैं हम भी उतनी बारीकी से काम करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग बड़े पर्दे पर उसे देखें। और दूसरी बात है ऑडियंस को भी एक मतलब जब मैं एज ए व्यूअर देखती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है थिएटर में फिल्म देखने का, एक अलग माहौल होता है, कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, तो मैं चाहूँगी कि हमारी फिल्में भी थिएटर में आए। थैंक यू। मुझे अब जाना पड़ेगा, मैं सिर्फ 20 मिनट के लिए हूँ। फिल्म फेस्टिवल एक्चुअली कोई भी सिटी के लिए बहुत ही महत्व रखता है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मुंबई इज़ द सिटी ऑफ ड्रीम्स एंड दिस इज़ वेयर आर बिगेस्ट मेन स्ट्रीम फिल्म्स आर मेड। ऑफकोर्स मुझे तो ये खुशी होती है जान के कि राइट नाउ इन इंडिया इट्स स्प्रेडिंग आउट, यू नो देयर इज सम इनक्रेडिबल रीजनल सिनेमा दैट्स बीइंग मेड और मामी का ओपनिंग फिल्म भी एक मलयालम फिल्म है। वेल आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम अटेंडिंग दिस फेस्टिवल नॉट जस्ट एज अ परफॉर्मर एन आर्टिस्ट एंड अ म्यूजिशियन जो मैं हर साल करती हूँ, इस बार मैं अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड के साथ अपने फिल्म को लेके, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट किया है दीप्ति गुप्ता, द फिल्म इज़ कॉल्ड शट अप सोना, शी डिसाइडेड टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी एज एन आर्टिस्ट, माई म्यूजिक, माई प्रोटेस्ट, माई टॉकिंग एज मच एज आई डू एंड पिकिंग अप फाइट्स एवरी डे। आई एक्चुअली वी आर ऑल वेरी हैप्पी हियर। तो दीप्ति मे बी आप बताइए, और इनकी हिंदी मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर है तो ये शायद हमको बताएंगे। तो शट अप सोना इनकी कहानी है, इनका जो प्रोटेस्ट है अपने संगीत को लेके और उनकी आवाज़ को लेके, इनको जो भी चीज़ जो भी कुछ हो रहा होता है जो गलत लगता है वो हमेशा एक अपनी आवाज़ उठाती हैं क्योंकि हमको लगता है कि औरतों का बोलना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो फिल्म इसी के बारे में है और इनके ज़रिए वो हिंदुस्तान में जितनी भी औरतें एक बराबरी की मांग कर रही हैं उसकी कहानी है। आज स्पेशली वुमेन के लिए भी रखा गया है, सो क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितना स्पेशल फील कर रही हैं? नहीं, मुझे लगता है कि आज तो मैंने प्राइड फ्लैग को भी पहना है अपने बस में बिकॉज आई बिलीव इंडिया बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस में है अभी। लास्ट ईयर द सेक्शन 377 वॉज अबॉलिश्ड फाइनली। आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़ ऑफ ऑल काइंड्स और ये सब जब गंदगी जो कुछ भी है ऊपर उठ के आती है तभी सफाई होती है। सो ये सफाई का टाइम चल रहा है मेरे ख्याल से और हमारा फिल्म वैसे काफ़ी मज़ेदार भी है, बहुत म्यूज़िक है इसमें एंड एज आई सेड अर्लियर इंडिया या सब कॉन्टिनेंट्स में से आई थिंक इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इट्स अ जॉनर डिफाइंग फिल्म। डिफाइनिंग बोलूँ तो कुछ ज़्यादा इमॉडेस्ट लगेगा बट आई एम एन आर्टिस्ट सो आई एम वेरी वेन। आई वुड लाइक टू थिंक इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड और मेरे जैसे बहुत मैं ऐसे आर्टिस्ट हैं जो उनको बहुत मानती हूँ। इन द वेस्ट देयर इज़ अ बियॉन्से हु हैज़ गॉन एंड मेड हर ओन फिल्म जस्ट फ्यू मंथ्स अगो। हम लोग भी 3 साल पहले हमने ये जर्नी शुरू किया तो आई थिंक पैरेलली लॉट ऑफ अस वुमेन अराउंड द वर्ल्ड हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ आर ओन नैरेटिव्स। हमको वेट करके नहीं रहना है कि कोई हमें चांस देगा, ब्रेक देगा, हमें ब्यूटिफुल फेस का एक यू नो वी गेट अ चांस टू पुट अ फेस आउट देयर। I think lots more women have to take stronger positions in the you know as writers, as directors, as producers, as cinematographers. I think we have a lot more talent than just being a pretty glamorous face. मैं तो artist हूँ, musical musician हूँ, तो मुझे मौका मिलता है stage पर जाके अपनी बात करने का और अपनी बात रखने का और Shut Up Sona में बहुत सारा music है so I hope the whole country gets to see it. ठीक है, एक लड़ी कर दूँगा, एक लड़ाई करूँगा, विजुअल मार्ग।
मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि कितनी एक्साइटमेंट है मामे फिल्म फेस्टिवल को लेकर. बहुत lots of praise for Smriti Kiran and for the entire Mami family for putting this mammoth festival up year after year and bringing world cinema to Bombay. So hum sab bahut excited hain ki abhi agle 7 din ke liye bahut sari films dekhne ka mauka milega Bombay vasiyon ko. Har saal ki tarah is baar aapko kya khaas lag raha hai Mami film festival mein? Bahut saalon se I think har saal se हर साल क्या कहते हैं जो फेस्टिवल है वो पिछले साल से बड़ा होता जा रहा है विच इज़ अ गुड थिंग. एंड मैं कामना करती हूँ कि जैसे इंटरनेशनल बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स हैं मुंबई फिल्म फेस्टिवल भी उन्हीं ऊँचाइयों तक पहुँचे. आज स्पेशली फॉर वुमेन के लिए रखा गया है, सो क्या फीलिंग है ये जानना चाहूँगी? सारी लड़कियों को पसंद आता है जस्ट हैंगिंग आउट विद द गर्ल्स, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. डिजिटल मीडिया के बारे में क्या बताना? मतलब हर चीज़ अगर आपकी सहूलियत के लिए है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, बस उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए ठीक तरह से. ओके मैम, अभी दिवाली आने वाली है, सो किस तरह से आप सेलिब्रेट करने वाले? अनफॉर्चुनेटली इस साल हमारे फैमिली में किसी का स्वर्गवास हो गया है तो हम इस बार दिवाली नहीं मनाने वाले, लेकिन फिर भी सारे व्यूअर्स को मैं दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन. You'll ask me the question? Yeah. Shall I help you? Hi. Hi. Oh my God, Anu, how are you? Careful, careful, I'm sorry, sorry. How are you then? I'm very good. How are you? Mm. I'm good. Amazing. 1 second only. Just no, I'm going to go. Nice to see you. Nice to see you. Yes. Bye. Bye. वेल आज ये फिल्म फेस्टिवल तो अमेजिंग है ही मामी, जिस तरह से वे ऑर्गेनाइज करते हैं इट्स बीन ग्रोइंग सो इट्स फैंटास्टिक. लेकिन आज का जो इवेंट है विमेन इन फिल्म विद नेटफ्लिक्स, आई थिंक इट इज़ एन अमेजिंग आफ्टरनून, क्योंकि इतनी सारी क्रिएटिव और स्ट्रॉन्ग विमेन टेलिंग स्टोरीज, क्रिएटिव विमेन इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू बी इन. जो एनर्जी है वो अमेजिंग है, और क्योंकि टाइम भी बहुत चेंज हो रहा है एंड आई थिंक इट इज़ टाइम वेयर विमेन कैन टेल मोर एंड मोर स्टोरीज़. एंड देर जब मैं काम कर रही थी तब इतनी औरतें, आई थिंक एक एक्ट्रेस को छोड़ के शायद एक हेयरड्रेसर इज़ द ओनली वुमन अराउंड. सो नाउ व्हेन यू सी सो मेनी विमेन वर्किंग इन द फिल्म्स, आई थिंक इट इज़ अमेजिंग. देर इज़ अ विमेन पर्सपेक्टिव दैट कम्स इन टू इट विच इज़ सो एक्साइटिंग टू हियर एंड टू सी एंड टू वॉच इन दिस different type of content that's coming out. So I love the fact that Netflix put all these women together with the film festival. It was a amazing place to be. Ji. Well, I think celebrating cinema is the biggest thing.
इस फेस्टिवल की वजह से आपको अलग अलग फिल्में देखने को मिलती हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ट्रैवल कर सको फिल्म फेस्टिवल के लिए. सो आई थिंक इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स एक जो व्यूअर्स हैं और जो सिनेमा लवर्स हैं उनको एक यू नो एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे वो वर्ल्ड सिनेमा देख सके. एंड आई थिंक यू इंक्रीज द व्यूअरशिप बिकॉज ऑफ दैट. तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हर आदमी कांस जाए या यू नो अलग अलग इसमें जाए. सो हैविंग दैट और कंसिडरिंग कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है एंड हमारा एक फिल्म फेस्टिवल होना बहुत ज़रूरी था. दैट्स व्हाई दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू आवर इंडस्ट्री. जी जी मुझे लगता है इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन क्योंकि एक कंटेंट का ज़माना है. अलग अलग कंटेंट को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है देखने को दिखाने को. एंड इन दैट सेंस हमें एज क्रिएटिव पीपल भी एक अलग अलग कहानियाँ बताने का मौका मिल रहा है. सो आई थिंक इज़ द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपन. जी बाय गोइंग आउट ऑफ टाउन. आई वॉन्ट टू गो आउट ऑफ टाउन ताकि मुझे प्योर क्लीन एयर में जाना चाहती हूँ. थैंक यू. I wish you all a very happy Diwali and a very prosperous new year. Thank you. Thank you. Please. No, you. No. What are you asking me? About film festival. Oh. Yeah. Yeah. About the film festival, Mami. So Mami is one of my most favorite film festival and I always love to be here, and because my definitely this is a great platform for independent films, you know, and they are making independent films mainstream. It's wonderful and that's it. Thank you. Okay, women are doing great and we are doing great actually. And also, as artistic director of this festival is a woman, and Smriti, she is doing well, and Anupama Chopra, they are all doing well. I think Kiran Rao, and so what to say? It's like women. I think this is the best time for women, and because we don't need to be dependent, and the market is global, and after this, digital. Cameras and all, it is much more easier for us to make movies. And if you really, we are passionate to make movies, we can make movies, and this is the best time. That is what I want to say. Thank you. Right. खास बात क्या लगती है कि खास बात यही है कि इतने सारे आप फिल्में यहाँ पे देखने के लिए आपको मौका मिलता है जो आपको hardly आपको आप आगे जाके देख पाते हो. तो वही बात है. मिलता नहीं है डाइवर्सिटी, यू नो, ऑफ फिल्म्स. यस. और मतलब अगर मामी होता नहीं तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव हैड अ करियर बिकॉज़ माय फिल्म्स हैव बीन सो वेलकम्ड इन मामी एंड इट्स थैंक्स टू मामी रियली दैट यू नो. एंड फॉर मी आल्सो यस माय थ्री ऑफ माय फिल्म्स यहाँ पे स्क्रीनिंग हुआ है एंड वी आल्सो वन बैक टू बैक बेस्ट फिल्म लास्ट एंड लास्ट ईयर्स. सो And it's because of Mami's acceptance that I think it has, our films have become more accepted by a much larger audience. So, I mean, yeah, I owe a lot. Yes, me too. I owe a lot. I think like this is the best. Yeah, really? Yes. Thank you. आई थिंक डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट है. आई थिंक मामी बम्बई के कल्चरल सीन का अब बहुत ही एक ख़ास हिस्सा बन चुका है एंड ऑलवेज आई थिंक हैज़ अ ग्रेट शोकेस ऑफ फिल्म्स एंड वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल द ऑडियंसेस टू वॉच सच अ वाइड सिलेक्शन ऑफ अमेजिंग स्टफ़.
तो मुझे लगता है सबसे खास बात है कि इंटरनेशनल सिनेमा का इतना फैंटास्टिक सिलेक्शन भारत के जो भी सिनी दर्शक हैं उनको देखने को मिलता है और सबके लिए एक्सेसिबल है, ये बहुत अच्छी चीज़ है. इतने अलग अलग लोकेशंस में होता है वो बहुत अच्छी चीज़ है. सो आई थिंक इट्स नाइस टू हैव अ कल्चर जहाँ पे आप अलग अलग देशों की चीज़ें देख सकते हैं और उस पर डिस्कशन हो सकती है. I mean, I think it's great. I think that women have always contributed to cinema, especially in India, in all kinds of roles. And I think it's great that we're celebrating that. Thank you. मैं घर जाने वाली हूँ अपने मम्मी पापा के पास, because I think कि हर त्यौहार best celebrate होता है अपने परिवार के साथ. Thank you.